हेलो फ्रेंड्स, माया कुकिंग पैशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ प्याज पराठा का रेसिपी, जो कि मैं अपने पूरे परिवार के लिए बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, इस प्याज पराठा को बनाने के लिए हम यहाँ पे गेहूं का आटा लिए हैं और इसमें हम आधा कप के लगभग रिफाइन ऑयल डाल रहे हैं मोइन के लिए, और एक चम्मच नमक डालेंगे। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक यह आटे में पूरी अच्छी तरह से रिफाइन मिल ना जाए। रिफाइन ऑयल पूरी अच्छी तरह से, देखिए यहाँ पे जो गांठें हैं वो पूरी अच्छी तरह से मिल जाएगी। देखिए हम आटे को किस तरह से मिक्स कर रहे हैं, दोनों हाथों से इसको रगड़ते हुए मिक्स कर रहे हैं ताकि मोइन हमारी अच्छी तरह से पूरी आटे में मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यह प्याज पराठा बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी झंझट नहीं है और झटपट बन के तैयार हो जाता है। और नाश्ते के लिए तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं नाश्ते में यह प्याज पराठा पाकर। तो आपको भी जब मन करे प्याज पराठा बनाइए। देखिए आटे में पूरी अच्छी तरह से रिफाइन ऑयल मिक्स हो गई। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को गूँथ लेंगे। तो अब हम इस आटे को गूंथ कर इसका डो तैयार कर लिए हैं। इसे अब हम 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, तब तक हम बाकी सामग्री की तैयारी करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 बड़े साइज के प्याज को एकदम से बारीक काट लिए हैं और 5-6 हरी मिर्च को काटे हैं। अब इसमें हरी मिर्च को भी हम डाल देंगे और साथ में डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच काला जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, और इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे हम अचार का मसाला का यूज करेंगे। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से पूरी मिक्स कर चुके हैं। 10 मिनट हो गए हैं, अब हमारी आटा पूरी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसमें से हम लोई बनाएंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसमें प्याज को पैक करेंगे। देखिए किस तरह से हम प्याज को इसमें पैक कर रहे हैं। इसमें 1 से 1.5 चम्मच तक डालेंगे और इसको इस तरह से पैक करेंगे। इसको पैक करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा और सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेलेंगे। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मोटा ही रहने देना है, क्योंकि प्याज पराठा है तो थोड़ा मोटा ही रहेगा। देखिए किस तरह का हम इसको पराठा तैयार कर लिए। अब यहाँ पे हमारी तवा गर्म हो चुकी है, उस पर अब हम इस पराठे को डालेंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। एक पराठा हमारी तवे पर पक रही है, तब तक हम यहाँ पे दूसरी पराठा तैयार कर लेंगे और बारी बारी से इसी तरह हम सभी पराठे को बना लेंगे। पराठे हमारी थोड़ी सी पक चुकी है, अब इसमें हम घी लगाएंगे। आप चाहें तो रिफाइन ऑयल या सरसों तेल भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे घी यूज कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ भी इसको पलट कर घी लगाएंगे। और इसको हल्का सा दबाते हुए पकाएंगे इसको। देखिए पराठा हमारी दोनों तरफ लाल हो चुकी है और कितनी अच्छी फूल गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे और दूसरी पराठा को हम डालेंगे। तो देखिए हमारा प्याज पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और खाने में तो और लाजवाब लगेगा। तो मेरा प्याज पराठा बनाने का यह तरीका आपको कैसा लगा, बिल्कुल झटपट और कम खर्चे में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप भी इस प्याज पराठे को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, गारंटी है आपके पूरे परिवार खुश हो जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।